शाम को स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने तीन टाइप के स्केलेटन को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन हमारे पास थे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, उसके बाद हमने एक्सोस्केलेटन के बारे में देखा, और लास्ट पर जो स्केलेटन था वो है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के अंदर ही हम देखेंगे आज ह्यूमन का स्केलेटन, कि ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो किस, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसका फंक्शन क्या क्या है। ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ एक्सोस्केलेटन एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हम एक्सोस्केलेटन की तरफ आते हैं। एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या क्या आएगा, इसमें स्कल आएगा, उसके अलावा आपका वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, इसके अलावा रिब्स, और लास्ट पे हम देखेंगे स्टर्नम। तो ये चार कंपोनेंट्स आते हैं ह्यूमन के एक्सोस्केलेटन के अंदर। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है स्कल। स्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं उन बोन्स को हम कहते हैं वो क्रेनियम है, ठीक है, वो क्रेनियम बनाती हैं मिलकर जो आपके बोन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो आपके इसको स्कल को, स्कल के अंदर जो ब्रेन है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपके फेस के ऊपर जो जितनी भी बोन्स आएंगी, जो फेस का हिस्सा बनाएंगी, दे आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। जो क्रेनियम है वो टोटल कंसिस्ट होता है 8 बोन्स पर, जिसमें 4 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये बोन्स कौन कौन सी हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जो क्रेनियल बोन्स हैं आपकी, उसमें पेयर्ड बोन्स आती हैं और अनपेयर्ड बोन्स आती हैं। दो पेयर्ड बोन्स होती हैं, फर्स्ट वन इज़ टेम्पोरल एंड सेकेंड वन इज़ पैराइटल। और जो अनपेयर्ड बोन्स हैं वो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड एंड इथमाइड। अब इस डिटेल को जो है इसको हम फर्दर जो है डिटेल में देखते हैं कि ये बोन कौन कौन सी हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जिसके बारे में देखें, सबसे पहले स्कल के अंदर हम देखते हैं कि जो बोन्स आपके पास हैं पेयर्ड बोन्स, उसमें पहली बोन है आपके पास टेम्पोरल, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो कान की, कान के वाले हिस्से में बोन होती है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो एक बोन आपके पास ये है इस तरफ, और इसी तरह एक दूसरी बोन जो है वो इस साइड पर पाई जाएगी, लेफ्ट साइड पर पाई जाएगी जी। तो एक जो है वो इस साइड पर है, ठीक है। तो एक आपके पास ये स्कल की जो है राइट साइड, यहाँ पर मौजूद थी टेम्पोरल बोन, और इसी तरह एक टेम्पोरल बोन जो है वो स्कल की दूसरी साइड पर मौजूद है, ये वाली। ये बोन्स दो हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये जो आपके पास क्या है, ये पेयर्ड बोन्स हैं। अगर हम इन दोनों को बोन्स को सिलेक्ट कर लें, ये दोनों बोन्स हमारे पास सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं फेड अदर्स, बाकी बोन्स को अगर हम फेड कर दें तो ये देखें आपके पास ये बोन्स हैं जो किसकी हैं, आपके पास स्कल की पेयर्ड बोन है पहली, जिनको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन्स, ठीक है जी। फर्दर हम आते हैं, जो दूसरी पेयर्ड बोन है आपके पास वो है पैराइटल। पैराइटल बोन्स है ये स्कल के ऊपर साइड पर होती है, ये वाली साइड पर, ठीक है। ये बोन्स है आपके पास पैराइटल है, एक राइट साइड पर और उसी तरह एक जो है वो लेफ्ट साइड पर। तो ये आपके पास है ये दोनों पैराइटल बोन्स आती हैं जी। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास कौन सी है, पैराइटल बोन। तो दो बोन्स अभी तक हमने देख ली, ठीक है, एक आपके पास टेम्पोरल और दूसरी कौन सी है, पैराइटल। टेम्पोरल और पैराइटल दोनों जो हैं कैसी होती हैं, पेयर्ड होती हैं। हम इनको जो है वो ज़रा फेड कर देते हैं ताकि बाकी बोन्स हैं हम वो इजीली हम उनको देख सकें जी। इसी तरह ये वाली टेम्पोरल, इसको भी फेड कर देते हैं, और ये पैराइटल, इसको भी हम फेड कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी आपके स्कल के क्रेनियम पोर्शन के अंदर जो बोन्स आती हैं उसमें फ्रंटल बोन है। फ्रंटल नाम से जाहिर है, जो फ्रंट की तरफ बोन होगी दैट इज़ कॉल्ड फ्रंटल। तो बिल्कुल सामने की तरफ ये सारी बोन, ठीक है, दिस बोन इज़ कॉल्ड फ्रंटल बोन। ये एक ही बोन है, ये पेयर्ड नहीं है। अब हम अनपेयर्ड के बारे में देख रहे हैं। तो पहली बोन आपके पास जो है ये आ गई फ्रंटल, उसके बाद ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन होती है बिल्कुल बैक साइड पर, ठीक है। ये जो बैक साइड पर बोन है इसको हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, ये वाली। तो ये बोन जो है आपके पास ये क्या है, ऑक्सीपिटल। क्लियर हो गया, फ्रंट की तरफ जो थी वो फ्रंटल थी और बैक साइड पर क्या है, ये ऑक्सीपिटल है, जिसको भी हम फेड कर देते हैं। तो ये ऑक्सीपिटल हो गई, और आगे की तरफ आपके पास जो है वो फ्रंटल बोन थी, ये वाली, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बोन्स देख ली हैं उसमें आपके पास जो है वो फ्रंटल आई है, उसके बाद जो हमारे पास बोन है वो है ऑक्सीपिटल, ये लास्ट वाली। उसके बाद हमने देखी थी ऊपर जो पैराइटल है, और पैराइटल के साथ यहाँ पर टेम्पोरल, ठीक है। तो ये बोन्स हैं वो हमने अभी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम आते हैं आपके पास स्फीनॉइड और इथमाइड बोन्स। अब स्फीनॉइड और इथमाइड जो बोन्स हैं ये होती हैं आपके आई ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। आई ऑर्बिट के अंदर ये वाली जो बोन है इसको हम कहेंगे ये कौन सी है आपके पास, इथमाइड, ठीक है। ये आपके पास इथमाइड है,
ठीक है, इसी तरह जो है वो, एक सेकेंड इसको हम देखते हैं, ये आपके पास इथमाइड बोन है और ये वाली जो एक बड़ी सी बोन है ये, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्फीनॉइड। तो ये स्फीनॉइड बोन जो आपके स्कल के अंदर जो है वो एक ही है जो राइट से लेफ्ट तक फैली हुई है, इसको हम कहते हैं स्फीनॉइड। और स्फीनॉइड के बिल्कुल आगे जो है वो ये वाली बोन, दैट इज़ कॉल्ड इथमाइड। ठीक है, तो स्फीनॉइड और इथमाइड बोन्स हैं ये यूँ प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, अब हम बाकी बोन्स को जो है वो ज़रा हाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो क्लियर व्यू एक आ जाए। जी, ये टेम्पोरल बोन थी, ये पैरेटल बोन थी, ठीक है, ये भी टेम्पोरल बोन है दूसरी साइड की। बैक पर आपके पास जो है वो ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, और बाकी हमारे पास जो है वो बचती है यहाँ पर स्फीनॉइड, ठीक है, दिस वन कंप्लीट बोन, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाती है इथमाइड बोन, ठीक है, तो ये वाली जो छोटी सी बोन है दैट इज़ कॉल्ड इथमाइड, ठीक है, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो आपके स्कल का पोर्शन, स्कल का जो क्रेनियम का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्रेनियम जो आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला पोर्शन है जो यहाँ पर सारा मौजूद था, उसके अंदर हमने देखने के टेम्पोरल बोन है, पेराइटल बोन है, उसके बाद हमने देखी कि फ्रंटल आती है, फ्रंट वाली साइड पर ऑक्सीपिटल, पीछे वाली साइड पर आती है स्फीनॉइड बोन थी और इथमाइड, ये दोनों आई ऑर्बिट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपके ह्यूमन के हेड का था। जैसे ही आपके पास जो है वो क्रेनियम जो है पूरा होता है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फेशियल बोन्स, जो फेस की बोन्स हैं, ठीक है, तो फेस की बोन्स की तरफ आते हैं। जो फेशियल बोन्स हैं इसमें आपके पास भी अनपेयर्ड बोन्स आती हैं और पेयर्ड बोन्स आती हैं। जो अनपेयर्ड बोन्स हैं दैट इज़ कॉल्ड मैंडिबल एंड वोमर, ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं ये जो बोन्स हैं, ये जो जबड़े की हड्डी है नीचे वाले जबड़े की, इसको हम कहते हैं क्या है, मैंडिबल, ठीक है। तो एक ये हड्डी है जो अनपेयर्ड है जबड़े की, और दूसरी नाक के अंदर ये एक हड्डी पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड वोमर। तो ये दो हड्डियाँ जो है वो इसमें आपके फेशियल बोन्स में आती हैं, जो कैसी हैं, ये अनपेयर्ड हैं, फर्स्ट वन इज़ द वोमर एंड सेकेंड वन इज़ द मैंडिबल, ये दो हड्डियाँ जो आपके पास यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड बोन्स के अंदर दोनों हमने देख ली, फर्स्ट उसमें थी मैंडिबल और दूसरी जो है वो नाक के अंदर ही हड्डी थी, ये वोमर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो पेयर्ड बोन्स हैं आपके ह्यूमन के स्कल के अंदर, उसमें ये सारी बोन्स आती हैं, यहाँ पर हम देख लें, मैक्सिली, जाइगोमेटिक्स, नेज़ल, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड इन्फीरियर नेज़ल कोंचा, ठीक है, ये पेयर्ड बोन्स हैं। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये बोन्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। जी, सबसे पहली बोन ये वाली जो है, जो आपकी ये वाली, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिला। मैक्सिला एक इस तरफ है और एक जो है वो यहाँ पर दूसरी साइड पर, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। नीचे वाली तो मैंडिबल थी ना, अनपेयर्ड थी, तो ये जो है वो पेयर्ड बोन्स में आते हैं, मैक्सिला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बोन जो है वो हमारे पास आएगी जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो है वो, उसको चीक बोन भी कहते हैं, कि ये आपकी चीक्स पर जो बोन होती है दिस वन, ठीक है, इसको हम जाइगोमेटिक कहते हैं, एक इस तरफ है और इसी तरह एक जो है वो इस तरफ है, हम इनको फिट करते जाते हैं। तो ये जाइगोमेटिक हो गई, ये वाली जाइगोमेटिक हो गई, ये आपके पास मैक्सिला और ये आपके पास मैक्सिला, और नीचे वाली जो थी ये आपके पास थी मैंडिबल, ठीक है जी। मैक्सिला भी देख ली हमने, जाइगोमेटिक भी देख ली, उसके बाद नेज़ल बोन आती है, नाक की जो हड्डियाँ हैं ये वाली, ठीक है, एक ये और एक ये, दीज बोन्स आर कॉल्ड द नेज़ल बोन्स, हम इनको हाइड ही कर देते हैं फ़िलहाल, नेज़ल बोन्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है लैक्रिमल्स, ठीक है, लैक्रिमल बोन्स है बिल्कुल नेज़ल बोन के साथ प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। तो आगे जो है वो नेज़ल बोन थी, अगर हम नेज़ल बोन्स है उसको देखें, जी ये देखें नेज़ल बोन आपके पास ये है, ठीक है। तो ये नेज़ल बोन जो है वो लेफ़्ट साइड की थी और दूसरी जो है वो राइट साइड की, तो नेज़ल बोन के बिल्कुल साथ जो है वो आई ऑर्बिट के अंदर ये बोन आपके पास आती है, दैट इज़ कॉल्ड द लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन इस तरफ भी है, इसको अगर हम फेड करें, और इसी तरह लैक्रिमल बोन जो है वो इस तरफ भी प्रेजेंट होगी ये वाली, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये लैक्रिमल बोन है। लैक्रिमल के पीछे जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि पीछे इथमाइड होती है, और इथमाइड के जो है वो यहाँ पर ये आपके पास साड़ी क्या थी, स्फीनॉइड बोन, ठीक है।
तो हम इनको जो है वो हाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने मैगजीला भी देख ली, यहाँ पर मैगजीला ये सारा एरिया, ठीक है। चीक बोन्स आपके पास थी ये वाली, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोमेटिक। उसके बाद नेजल बोन्स हमने देखी, ये नेजल बोन एक उसके बिल्कुल साथ। लैक्रिमल हमने देखी कि आँख के अंदर इस एरिया में होती है। उसके बाद आपके पास पैलेटाइन आती है और इन्फीरियर कोंचा आता है। अगर नोज़ के अंदर हम देखें तो नोज़ के अंदर जो है वो एक राइट साइड पर ये बोन है और एक जो है वो लेफ़्ट साइड पर ये बोन है, ठीक है। दीज बोन्स आर कॉल्ड इन्फीरियर नेजल कोंचा, ठीक है। तो एक ये है और एक ये इन्फीरियर नेजल कोंचा। और अगर हम स्कल को नीचे की तरफ से देखें तो हम कहते हैं तालू की हड्डी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास शो होगी, ये देखें, ठीक है। जो तालू की हड्डी है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली पैलेटाइन। आगे सॉफ्ट पैलेट होता है जहाँ पर नरम होता है। और अगर आप अपने मुँह को देखें तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर यह हड्डी प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड द पैलेटाइन बोन, ठीक है, जो आपका मुँह का अपर जो पोर्शन है वो बनाती है। तो ये आपके पास जो है वो पैलेटाइन की भी पेयर्ड फॉर्म में बोन्स आ जाती हैं। तो हमारे पास कंप्लीट जो है वो स्कल का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाता है, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं। पहली आपके पास जो है वो क्रैनियल बोन्स थी और दूसरी क्या थी, फेशियल बोन्स, ठीक है। इनको जो है वो हम कंप्लीट जो है वो देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके एक्सियल स्केलेटन में फर्दर कौन कौन से पोर्शन आते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे।